से क्या हाइलाइट्स थे लास्ट क्वार्टर में सर? हमारी परफॉर्मेंस के सबसे बड़ा हाईलाइट था कि हमारी स्पेशलिटी सेल्स में 20% प्लस ग्रोथ दर्ज हुई थी, और आने वाले समय में भी ये स्पेशलिटी सेल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में कहा था कि हम मार्च 23 तक 70% वॉल्यूम स्पेशलिटी पे कन्वर्ट करेंगे, बट करंट प्रोग्रेस को देख के लगता है कि हम ये टारगेट पहले ही मीट कर पाएंगे। अगले 12 महीने के अंदर अंदर हमें ये टारगेट मीट होता हुआ दिख रहा है, तो परफॉर्मेंस आने वाले समय में भी स्ट्रांग होगी। इसका सेकंड फैक्टर था कि डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, तो डिमांड सप्लाई में अभी डिमांड सप्लाई से कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है, और इसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस या ग्लोबल प्राइसेस भी काफी अच्छे चल रहे थे। जो कमोडिटी प्राइसिंग है ये ऑब्वियसली एक प्लेयर के कंट्रोल में नहीं है, ग्लोबल कंट्रोल में है, लेकिन ये भी आने वाले समय में एक रीजनेबल लेवल पे दिख रही है, क्योंकि डिमांड ग्रोथ बहुत अच्छी है और सप्लाई में कुछ कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी ग्लोबली बैलेंस्ड होते हुए दिख रहा है। तो मेनली स्पेशलिटी से कॉस्मो के रिजल्ट्स इंप्रूव होते रहने चाहिए। सेकेंडली, हमने कॉस्मो स्पेशलिटी केमिकल में भी नए वर्टिकल स्टार्ट किए हैं, मास्टर बैच वर्टिकल शुरू किया है जो कि अभी सिर्फ 30% पे पहुंचा है पिछले 5-6 महीनों में। आने वाले समय में वो भी पूरे 100% यूटिलाइजेशन पे आएगा। हमने सेकेंड बिजनेस टेक्सटाइल केमिकल का किया है जिसके इनिशियल ट्रायल रिजल्ट्स काफी अच्छे गए हैं। हमें कुछ ऑर्डर्स इस क्वार्टर में आने की उम्मीद है, तो वो सब भी हमारी ग्रोथ को इम्प्रूव करेंगे और हमारे मार्जिन्स को काफी स्टेबल बनाएंगे, और एक खराब समय में भी हमें कॉस्मो को एक काफी स्ट्रांग रखेंगे। ओके फाइन। सो ये आपने बताया किस वजह से नंबर्स अच्छे आए और आगे भी आप कह रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नंबर्स ट्रेंड ये कंटिन्यू हो पाएगा। अब जब हम देख रहे थे लास्ट 2 महीने जो कोविड की वजह से बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ा, आपके बिजनेस पर उसका क्या इम्पैक्ट है? तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और पूरा FY22 के लिए क्या आउटलुक रखते हैं सर? मार्जिन्स को लेकर पर्टिकुलरली आप कितने बुलिश हैं कि यहाँ से और बेहतर हो पाएंगे? तो कोविड का बीओपीपी फिल्म के कुछ सेगमेंट्स पे जरूर इम्पैक्ट है, खासकर टेक्सटाइल सेगमेंट काफी इम्पैक्टेड है, जहां पे टेक्सटाइल की प्रोडक्शन मुझे लगता है कि 1/3 रह गई है। लेकिन कॉस्मो टेक्सटाइल सेगमेंट में प्रेजेंस ना के बराबर है, और इसलिए हम पे इम्पैक्ट इसका बहुत ही कम है। और हमारे जो बाकी सेगमेंट्स हैं, पैकेजिंग है, लेबल है, वो बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ हो रहे हैं। सेकेंडली, एक और सेगमेंट है जो हमारे लैमिनेशन और सिंथेटिक पेपर, वहां पे भी कोविड का कुछ इम्पैक्ट देखा गया है जो कि लार्जली इंडिया सेंट्रिक है, लेकिन ग्लोबली क्योंकि चीजें काफी देशों में बेहतर हो रही हैं, इसलिए उसका हमें ग्लोबल वजह से हमारी अभी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है लैमिनेशन में भी और सिंथेटिक पेपर में। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि हमारी डिमांड काफी स्ट्रांग है, हमारे मार्जिन्स रीजनेबल चल रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिमांड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके श्योर। सो स्टेबल है यहाँ पर, डेफिनेटली डिमांड के एक स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट दिख रहा है। आपने ऑर्डर बुक की बात की थी सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि कितना ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं इस बार अभी तक, अभी कितनी ऑर्डर बुक है और आपने कहा कुछ और एडिशन होने वाला है, तो क्या क्या नंबर है दैट वी कैन सेफली से फॉर FY22? हम नॉर्मली ऑर्डर बुक अगले 20-25 डेज की रखते हैं, ताकि हम एक प्रॉपर लाइन प्लानिंग कर सकें सारी लाइंस का, और हमारी ऑर्डर बुकिंग उसी के अकॉर्डिंगली चल रही है। अभी भी हमारी ऑर्डर 20-25 डेज बुक्ड है, जिससे हम एक प्रॉपर लाइन प्लानिंग, हर लाइन पे हमें क्या माल बनाना है, किस कस्टमर को कब डिलीवरी देनी है, वो वेल प्लान्ड है। और हम ना इससे ज्यादा ऑर्डर बुक करते हैं क्योंकि फिर हम अपने कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, तो जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से हम सही चल रहे हैं। ओके श्योर। तो 20 से 25 दिन जैसे आप बता रहे ऑर्डर बुक की बात है, अगर हम आपकी एक्सपेंशन की बात करें, और आपने इस पर जरूर हिंट किया है कि क्लियरली डिमांड है, आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की तरफ काम आप कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी आप इंक्रीज करेंगे स्पेशलिटी बीओपीपी फिल्म वॉल्यूम 3 से 4 साल में, क्या एग्जैक्ट प्लान है? आप कमोडिटी से शिफ्ट हो रहे हैं स्पेशलिटी साइड में क्लियरली, उससे क्या ये हम कह सकते हैं कि मार्जिन यहाँ बेटर होंगे और कंपनी की ये थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी है ये करना? ऑल्सो कंपनी की क्या
प्लान्स है टू फोकस ऑन बीओपीईटी, क्या उस पर भी हमें थोड़ा आप जानकारी दे सकते हैं? तो आने वाले समय में हमारे चार पांच मेन फोकस एरियाज हैं। सबसे पहले हमारी जो कमोडिटी सेल्स हिस्टोरिकली रहती थी उसको हम साल बाय साल कम करते जा रहे हैं, और अच्छी चीज है कि हर साल बेस बड़ा हो रहा है फिर भी हमारा ग्रोथ रेट और इम्प्रूव हो रहा है। लास्ट ईयर अभी तक हमने हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट किया है मोर देन 20% का, जो कि अभी तक पुराने किसी भी साल में हम 12-13% से ऊपर नहीं गए थे। सो हर साल हमारी ग्रोथ रेट इम्प्रूव हो रही है ऑन अ बिगर बेस, और यही हमारा फोकस आने वाले समय में भी रहेगा कि हम स्पेशलिटी सेल्स को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहें, कमोडिटी सेल्स कम करते रहें, और आने वाले समय में 80-85% टोटल सेल्स का हम स्पेशलिटी से लाएं। सेकेंड हमारा फोकस एरिया है कि हम अपनी सब्सिडरीज को भी अच्छा ग्रो करें, वहां पे मार्जिन इंप्रूव करें। मैं अपने इन्वेस्टर्स को याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ साल पहले हमारे यूएस में $5 मिलियन का लॉस था, जबकि पिछले साल हमने $3 मिलियन का प्रॉफिट किया है। तो पिछले 3-4 साल में हमने अपने यूएस ऑपरेशंस को बहुत इंप्रूव किया है, और आने वाले समय में भी हम ये देख रहे हैं कि यूएस, जापान, कोरिया, नीदरलैंड्स, इन सारी सब्सिडरीज में हमारी स्पेशलिटी सोल्स ग्रोथ होगी। ये सारी डेवलप मार्केट्स हैं, इन मार्केट्स में कॉस्मो का प्रेजेंस बहुत एक अच्छा है, और ये हमें हेल्प करेंगे ओवरऑल ग्रोथ में फर्दर। तो हमें सब्सिडरी के भी मार्जिन इंप्रूव होते दिख रहे हैं आने वाले समय में। थर्ड, तो ये दो बातें आप भी कही। हाँ, हम कॉस्मो स्पेशलिटी केमिकल में हमने जो दो नए वर्टिकल स्टार्ट किए थे दोनों में प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। मास्टर बैच, जो हम मास्टर बैच फिल्म का मास्टर बैच बनाते हैं, ये वर्ल्ड में गिनती की 3-4 कंपनीज ही हैं जो बनाती हैं, और कॉस्मो ने बहुत छोटे समय में एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है, जहां कॉस्मो के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमने एक डिसेंट कैपेसिटी पे पहली लाइन लगाई है, और हम मान के चल रहे हैं कि इसी साल के अंदर ये लाइन 100% यूटिलाइज होगी। सिमिलरली टेक्सटाइल केमिकल, दो कोविड की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम में है इस वक्त इनिशियली, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं वो कस्टमर्स को एक नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उनकी पावर कॉस्ट, उनकी वाटर कॉस्ट कम कर रहे हैं, और उनको नई फंक्शनैलिटीज दे रहे हैं अपने टेक्सटाइल को और इंप्रूव करने के लिए। तो बहुत अच्छी इंक्वायरीज हमें बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल से, टेक्सटाइल प्रोसेसर से आ रही हैं। हमने एक और बिजनेस स्टार्ट किया था पेट केयर, जिसका पायलट लॉन्च हम अगले क्वार्टर के एंड तक देख रहे हैं। वहां हम रिटेल मॉडल में भी आएंगे और हम ऑनलाइन मॉडल में भी आएंगे, और हम अपने कस्टमर्स को बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर सर्विस घर पे, एक्सपीरियंस सेंटर पे और ऑनलाइन दे पाएंगे। तो हमारी सारे बिजनेसेस में मैं कहूंगा प्रोग्रेस अच्छी है, जिससे हमें आने वाले समय में सेल्स ग्रोथ भी मिलेगी और हमारे मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। ऑलराइट, ब्रिलियंट सर, ये आपने काफी अच्छे से समझाया कि आगे फोकस कहाँ कहाँ पर रहेगा, आपके शुरू से 4 ग्रोथ पिलर्स क्या होंगे वो आपने हमें समझाया। मैं ये जानना चाहूंगी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की अगर हम बात करें वो किस तरह से रहेंगे, B2C प्रोडक्ट्स जो आपने कुछ लॉन्च किए हैं, ब्रांडिंग को लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, टेक्सटाइल केमिकल्स में जो आपने बताया उस बिजनेस बहुत छोटा है अभी, बट क्या स्कोप दिखता है बढ़ने का? हाँ जी, सो स्पेशलिटी में हमारा हर साल टारगेट रहता है कि हम 2-3 बहुत बड़े लॉन्चेस करें जो ग्लोबली फर्स्ट टाइम हो, और 5-6 हमारे ऐसे लॉन्चेस हों जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड में 1-2 प्लेयर्स ने बना रखे हो और हम उसको इंडिया से रेप्लिकेट कर सकें। तो हमने कुछ समय पहले एक हीट रेजिस्टेंट फिल्म बनाई थी, जो कि एक सस्टेनेबल पैकेजिंग या रिसाइकलेबल पैकेजिंग में बहुत बड़ा मूव था वर्ल्ड वाइड। इसकी काफी इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है, इस प्रोडक्ट को हम कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते जा रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर्स एक रिसाइकलेबल पैकेजिंग कर पाए। सेकेंड, एक हम डायरेक्ट थर्मल प्रिंटेबल फिल्म बना रहे हैं। हम फिल्म बनाने वाली पहली ऐसी कंपनी होंगे जो इसको कोटिंग के जरिए वर्ल्ड में बना पाएगी, और इसके भी हमारे को शुरू के ऑर्डर्स अभी इसी महीने से आने स्टार्ट हुए हैं। थर्ड, हम सिंथेटिक पेपर में काफी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, हम नए नए लॉन्चेस करते जा रहे हैं सिंथेटिक पेपर में। हमें आने वाले समय में सिंथेटिक पेपर से काफी उम्मीदें हैं,